Before the time of the giants, we lived freely under the sun and moon. Millennia have passed since our kind took sanctuary down here, deep in the burrows of the old oak forest. But now, Vanguard, now is the time for us to venture into the Overland again. This world is dangerous. With death lurking around every corner, you will need all your cunning and skill to survive. But remember, not all creatures up there are our enemies. Some can be used to our advantage. The Pathfinders will help you craft powerful armors. Seek them out. Lean on your fellows. And piece by piece, we will claim this savage land. We may be small, but united, we are bigger than any challenge we may face. Tame this world. हेलो एवरीवन, दिस इज AK22। आप सभी का स्वागत है स्मॉल लैंड एडवेंचर्स में। सो लेट्स गो। हम एक छोटू से प्रिंस हैं और ये हमारा छोटू सा अंडरग्राउंड साम्राज्य। और ये कौन है? सेंटिनल वर्जिल। हेलो, क्या बोलना है इनका? तो सेंटिनल वर्जिल का कहना है कि आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो जितने भी वैनगार्ड वासी हैं वो आपसे ग्रीट एंड मीट करेंगे जाते जाते। और इसके बारे में बताइए, ये ऑल एफजी है, ये आपको इस वर्ल्ड में मिलती रहेगी, हमारे स्मॉल वर्ल्ड में। और इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा ये। आप नेचुरल रिसोर्सेज लेना है, फूड कलेक्ट करना है, ये सब हमको आता है। बस हम एक बॉर्न एक्सपर्ट हार्ड कोर सर्वाइवलिस्ट हैं और इन्होंने हमको राजा बना दिया। व्हाट इज दिस? गैदर वुड। नाइस, हैचेट खुल गई, वुड क्लब खुल गया। सो यहीं से हमारे रिसोर्स गैदरिंग स्टार्ट हो गई है। एंड दिस इज व्हाट, फाइबर? नाइस। ओके, लेट्स गो अप। ओके, वुड। एंड दिस इज सैप, रेजिन। यस सर। फायर एरो, पेट विसल। नाइस, हम एक पेट बना सकते हैं, उसके लिए एक विसल भी है। अभी तक हमने टेम नहीं करा पर विसल पहले बना लिए। ओके, सब एक एक में कलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ऑल एफजी है। ओके, ऑल एफजी यूजफुल, आपको बताएगी क्या क्या करना है। एवरी नाइस नाइस नाइस। टैब से आपकी इन्वेंट्री खुलती है। दिस इज आवर इन्वेंट्री। दिस इज, ये हमारा हॉट बार है। और तलवार, नाइस। मास्क, ये हमारा आर्मर स्लॉट्स है। नॉइस, हेल्थ, स्टेमिना, नरिशमेंट, कम्फर्टेबलनेस। तो शायद ऐसा रहता होगा कि रात में ठंड लगती होगी, दिन में गर्मी। स्टेटस शेल्टर्ड है, मतलब हमारे सर के ऊपर छत है। लेट्स गो। अब हम वैनगार्ड वासियों से मिलते हैं। ये हमारा छोटा सा साम्राज्य है वैनगार्ड का, चलता मस्त है ये। इसकी चलने की स्टाइल मस्त है। ले लो ले लो ले लो, जितना ले सकते हो। पहले से हमारा साम्राज्य बिल्ड है यहाँ पर। अच्छा, तो अंदर उजाला करने के लिए आप टॉर्चेस लगा सकते हो, लाइटिंग करने के लिए। देखो जैसे लगी हुई है, पर ये हमको प्रिंस से एक किंग बनाने की तैयारी चल रही है। सेंटिनल बेन, सेंटिनल एडी, इंसेक्ट एक्ट रखे हुए इन्होंने हमारे लिए खाने के लिए। क्या बात है, थैंक यू। अच्छा, ये माइन शाफ्ट है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये? अच्छा, बिल्ड कर रहे हैं पैसेज में। सेंटिनल टॉम, मोल्ड मोल्ड एवरीवेयर। सेंटिनल कॉर, मेक श्योर टू सर्च आउट दिस ऑल एफजी फॉर यूजफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर। ओहो, क्या बात है। ये रहे, ये इंसेक्ट एग्स हैं, फर्नेस लग रहा है, ये सब बना के रखा। मुझे इसके पता, इसको खेल के ग्राउंडेड जैसा तो है ये, पर स्काईरिम जैसी फीलिंग आ रही है मुझे। स्काईरिम में रहता है ये। वो ये नक्शा है, हमने तो अभी तक मैप भी नहीं देखा है। सेंटिनल उंट एंड सेंटिनल ट्रेंडोन। यहाँ पर ये मशरूम पका रहे हैं। नाइस, एक सोफा भी है, इधर बैठ नहीं सकते हम। सैंड लाइफ एंड डा, सलूट मारते एकदम, सलूट, थैंक यू। सेंटिनल गैब्रियल, सेंटिनल एंड्रिक, हमारे जितने भी वैनगार्ड वासी है ना, उन सब का हमको नाम याद रखना है, ये हमें काम देंगे बाद में। तो ये जैसा पैसेज है वही पैसेज वे बना रहे हैं। तो इसमें हमें पहले से ही बनाया है या फिर हमें आगे जाके और कुछ बिल्ड करना है? ओह हेलो, आर्चर एंड ओलिवर, गुड मॉर्निंग। ओवरलैंड, ओके, तो ये जो हम बाहर निकल के आए हैं ये ओवरलैंड है। अरे हाँ, मुझे ये एफजीस पढ़नी है। यहाँ पर उल्लूज हैं। स्प्रिंटिंग, स्लाइडिंग, डॉजिंग, जंपिंग, अटैकिंग एंड ब्लॉकिंग ऑल कंज्यूम स्टैमिना, श्योर थिंग। यहाँ से नीचे चलते हैं, यहाँ पर भी रिसोर्सेस हैं, मतलब रिसोर्सेस हमें मिल तो रहे हैं अभी।
यहीं पर ही आसपास क्या क्या है देखते हुए जा रहा हूँ मैं। एम फॉर मैप, थैंक यू। ओके यस, ओ माई, ये तो बहुत बड़ा मैप है। होली होली क्रीचर्स, ये हमारा स्पॉन है, दिस इज हर्न। इससे मिला नहीं हूँ मैं, अच्छा उसी की तरफ जा रहे हैं हम। ओके नाइस नाइस, अभी ये दो ही चीज़ें खुली हुई हैं। ये है क्या? हाँ शक्ल से तो यही लग रहे हैं मिस्टर मिस्टर हर्न। ग्रीटिंग वैनगार्ड, वेलकम टू द ओवरलैंड, आई एम कैप्टन हर्नेस्ट मानिकावी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अच्छा तो ये हमें सब बता रहा है कि तुम शेल्टर बना सकते हो, क्राफ्ट कर सकते हो, खाना ढूंढ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और दूसरे क्रीचर्स को टेम कर सकते हो जिसमें इंसेक्ट्स और जो भी मिलेंगे हमें यहाँ पर। ओके थैंक यू कैप्टन, आई एम रेडी टू गो। जो ये हमारे कैप्टन महाराज, इनका एक एंटीना गायब है, जरूर इनको ये जो स्कार लगा है ये बैटल में लगा होगा और एक एंटीना भी ले गया। व्हाट इज दिस? ब्लैकबेरी, ओह नाइस, क्या बात है। एकॉर्न रखा हुआ है, एकॉर्न कंटेनर से, ये देखो एरो, तलवार और स्लिंग शॉट दिख रहा है मुझे इसमें। ये बीज हैं किसी के भी, किसी के तो। ओके ये एफजी बीज, एफजीज हैं यहाँ पे। कोल्ड वेदर में आप शेल्टर के अंदर रखो तो आपका आपको ठंड नहीं लगेगी। तो ये जितनी भी एफजीज हैं ये आपको सर्वाइवल टिप्स देती है कि आपको कैसे सर्वाइव करना है, क्या क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या नहाना है, क्या धोना है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप न्यू है, आप अगर न्यू सर्वाइवलिस्ट हो तो एफजीज पढ़ते हुए जाना, ऑल एफजीज, ये सब ज्ञान की बातें बताएगी आपको। ओह एक उधर बटरफ्लाई घूम रही है, फाइबर, ये फूल कलेक्ट कर सकते हैं हम। नो मोर रीजन, स्टे अवे फ्रॉम डीप वाटर, स्मॉल फॉग कांट स्विम, अपॉन डेथ यू विल रिस्पॉन एट योर एक्टिवेटेड बेड और स्पॉन लोकेशन। मतलब हम स्मॉल वंस हैं, स्मॉल फॉग्स, तो हम पानी में तैर नहीं सकते, तो पानी में जाना इज अ नो नो फॉर अस। एंड इसने बोला है कि मरने पर तुम अपने स्पॉन पे या बेड पे स्पॉन होगे और जहाँ तुम मरे हो वहाँ पर तुम्हारी डेथ लोकेशन होगी, तो सामान तुम्हें वहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा जाकर, समझे? ज्ञान की बातें बता रहे हैं ये उल्लू। टेम्परेचर विल ड्रॉप एट नाइट, ओके नाइस नाइस, रात को टेम्परेचर डाउन होता है, दिन में बढ़ता है, आई नो दैट। चलने की स्टाइल मुझे बहुत फनी लग रही है इसकी, साइड वेज ट्रिपिंग, डिक 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 डुक 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 करके चलता है ये। एक दरवाज़ा है यहाँ का, मुझे लगा किसी कीड़े का छोटा सा छेद होगा, पर नहीं, यहाँ पर टॉर्चेस जली हुई है, मतलब कि हमारे छोटू पीपल्स हैं यहाँ पर। हे द एल्डर, हेलो एल्डर, मैं क्राउच कर सकता हूँ क्या इसमें? ये इसमें क्राउच नहीं है, व्हाट डू हैक। वैनगार्ड फाइनली यू आर हियर, अच्छा हमारा मनाम ही वैनगार्ड है। एल्डर व्हाट आर यू डूइंग इन दिस ओवरग्रोन केव? द ज्वेल्ड क्लोवर की दैट अनलॉक्स द एपोथिकारीज चेस्ट हैज गॉन मिसिंग, व्हाट्स इन द चेस्ट? द एलेक्सियर ऑफ लाइफ, ही क्लेम्ड इट कुड हील एनी एलिमेंट नोन टू स्मॉल फोक्स। डैम, तो क्लोवर की क्यों घुमा दिया आपने एल्डर गार्डियन? तो क्लोवर की जो है उस चेस्ट की, एपोथिकारी चेस्ट की, वो घूम गई है। तो हमारे एल्डर जो हमें बोल रहे हैं, सीक आउट दीज सेटलर्स एंड इन्वेस्टिगेट देयर क्लेम्स, और हमें आउट वर्ल्ड में जाने, आउटर वर्ल्ड में जाने के लिए बोल रहे हैं, और वहाँ पर सर्वाइव करो और देखो क्या क्यों, मतलब कि जो क्रीचर्स हैं बाहर रहने वाले आउटर वर्ल्ड में, ओवरलैंड में, उनके बारे में आज जानो। तो उन्होंने बोला है कि क्लोवर की के बारे में भी आप, तुमको पता चलते जाएगा जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे अपने इस नॉलेज गैदरिंग एक्सप्लोरिंग एडवेंचर में। ठीक है एल्डर, एज यू कमांड आई विल लीव सून। पहले मैं देख लेता हूँ इधर क्या, ये वॉर्डरोब है हमारा, मस्त लग रहा है, डिज़ाइन मस्त है, मल्टीपल कंपार्टमेंट्स, फेदर, कुछ खाने की चीज़ें, ये पोशन टेबल है, पोशन बना रहे, केमिस्ट्री टेबल लग रही है मुझे, ये किसी की लैब है। मोर, ये इसकी तो बात नहीं कर रहे हैं, ये है वॉलनट चेस्ट, इट लुक्स लाइक अ चेस्ट मेड आउट ऑफ अ वॉलनट। ओके तो ये जो चेस्ट है इसको खोल नहीं सकते हम, इसको खोलने के लिए कुछ की चाहिए, शायद ये क्लोवर की है, यहाँ पर चार पेटल्स वाला एक क्लोवर लीफ आएगी जो यहाँ लगेगी, उसके बाद ये ओपन होगा शायद। हमारा मेन मिशन यही है, ये वॉलनट है, अखरोट, और उसका एक चेस्ट बनाया, और उसके अंदर क्या है छुपा हुआ है वो हमें पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों में। वुड कलेक्ट कर लो जब तक, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और हमारे एक्सपीडिशन पे चलते हैं। ओके तो मौसम सही लग रहा है, रात हुई नहीं है, लेट्स गो लेट्स गो। हम अभी कुछ गैदर नहीं कर रहे हैं, हम गैदर करते हुए जाएंगे धीरे धीरे। बाप रे बाप, हमारी हेल्थ, हंगर तो देखो, स्वीट
नाइस एनवायरनमेंट तो मस्त लग रहा है। एक बड़ा उल्लू है वहाँ पर और दो बटरफ्लाइज उड़ रही है। हे लुक एट दैट ट्री, यहाँ पर मशरूम ग्रो हुआ है ट्री पर। अब हमें जाना किधर है? शायद रात होने वाली है। हम क्या क्या बना सकते हैं वैसे? अभी देखिए हम हैचेट, हम नीचे चलते हैं। विल गो डाउन, कहाँ से जाऊँ ऊपर मैं नीचे? ओह यहाँ पर कूदने की जगह है, क्या मैं यहाँ से कूद सकता हूँ? यस सर, जंप मस्त है इसके, एकदम फ्रॉग की तरह हॉप करता है, हॉप हॉप हॉप, नाइस। ओ शूश रात होने वाली है, क्या करूँ मैं? व्हाट शुड आई डू, इतनी जल्दी रात हो गई। एक मिनट मुझे मैप देखने दो। अच्छा मैप में दिखाता, देखो ये टाइम चल रहा है हमारा, टाइम साइकिल। ओह हर्न से मिल गए हम, क्लेव से नहीं मिले। ये यहाँ पर है क्लेव, मैं इसमें मार्कर ऐड कर सकता हूँ। यस सर, ये देखो हमने ऐड कर दिया मार्कर। अब क्लेव की लोकेशन हमें पता चलेगी कि कहाँ पर है। डैम इट, इतना अंधेरा हो गया, मेरे पास बेड भी नहीं है सोने के लिए। चलो लेट्स सी हम क्या बना सकते हैं। टॉर्च, हम टॉर्च बनाएं सबसे पहले। सब चीज़ें एक एक बना लेते हैं हम, ठीक है? ओके दिस इज हैचेट, हैचेट क्राफ्ट हो रही है, नाइस। वुडन क्लब, वुडन क्लब मेरे पास पहले से ही है एक। हैमर, टॉर्च, सिंपल बैंडेजेस 5 पे रखते हैं ताकि कोई कीड़ा काटे हमें तो हम उसको लगा सके। मशरूम स्टिक नरिशमेंट देता है 8 सेकेंड्स के लिए। वुड है, फाइबर है, हम खाने के लिए क्या है? और खाने के लिए ब्लैक बेरीज है ना। कैंप फायर अनलॉक हुआ है, सिंपल बेड, यस 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 यस, मुझे सिंपल बेड बनाना पहले कि मैं यहाँ पर सो सकूँ। पीछे की साइड चलते हैं, पहले मैं अपनी टॉर्च जला लूँ। शीश, हॉप लाइक अ रैबिट, ओ सॉरी, हॉप लाइक अ मैंडिक, नाइस। थोड़े रिसोर्स गैदर करते हैं हम, यहीं पर एक हम बेड बनाएंगे, कल सुबह होके जाएंगे क्योंकि अभी हम अननोन टेरिटरी में नहीं जा सकते। वो यहाँ से भी नीचे जाने का रास्ता है, नाइस। गिव मी दैट वर्ड, ओह एक और रेफ्यूजी। पार्टिसिपेशन सच एज रेन ऑन स्नो कैन डैमेज स्ट्रक्चर, आसपास जितना मिल रहा है सब कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ओके तो इसमें टूल्स की ड्यूरेबिलिटी होती है। एक और रेफ्यूजी है यहाँ पर। 5 तरह के वेपन टाइप्स हैं, ब्लंट, एज, पियर्सिंग, पॉइजन एंड फोया। गुड, ये वाइट फूल नहीं तोड़ सकते हम। ओह ये तितलियाँ हमारी ओर अट्रैक्ट हो रही क्योंकि हम ये लेके घूम रहे हैं ना, कैरेक्टर सेव, नाइस। हमारे हाथ में छोटी सी टॉर्च, हार्वेस्ट, नीट क्रूड हैचेट और बैटर। ये कौन सी हैचेट है हमारी? शिट, इससे नहीं कटेगा, लुल लुल हैचेट है। चलो मैं यहाँ पर एक हम क्राफ्ट करते हैं जो हम क्राफ्ट कर सकते हैं। दिस इज हैमर हमारे पास है। ओके शायद हैमर से, हाँ हाँ हाँ, उन्होंने बोला था हैमर से आप यू कैन बिल्ड थिंग्स स्ट्रक्चर, नाइस। कैंप फायर, कैंप फायर, कैंप फायर यहाँ पर जलाओ पहले, हो गया, नाइस। ये डायरेक्ट मतलब हमको उसमें मटेरियल ऐड नहीं करने पड़ते, डायरेक्ट ये बन जाता है। और इसमें आप पका भी सकते हो। क्या है हमारे पास? ग्रास हॉपर लेग्स हैं। ये कहाँ से आया मेरे पास वैसे? देखते हैं और क्या बना सकते हैं। हाँ मुझे बेड चाहिए था, वी वॉन्ट टू मेक बेड। वही मैं सोच रहा था कि क्राफ्टिंग कैसे करूँ मैं। सिंपल चेस्ट, बेड एंड दिस इज वर्क बेंच, वो बेड बना सकते हैं हम, नाइस। शीश, ओ माय गॉड, ये कहाँ से निकल के आया? वो सुबह हो गई है, मैंने देखा नहीं। लेडी बाग, ये मारेगी तो नहीं ना? नहीं 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 नहीं, भाग रही है, भाग रही है। मुझे खाना चाहिए, वी वॉन्ट सम फूड। ये खाओ, इंसेक्ट एग, और क्या खा सकता हूँ? रेजिन नहीं खा सकते हम। नरिशमेंट 30 सेकेंड के लिए खा लेते हैं अभी, अभी के लिए मशरूम स्टेक, क्योंकि हमारा खाना हंगरनेस बहुत ज़्यादा कम हो गई। ओके अब मैप देखते हैं, ये देखो सुबह होने वाली है, अर्ली मॉर्निंग। ओके तो मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ, हाँ, स्पॉन पॉइंट सेट, यस। ये एक अच्छी लोकेशन दिख रही है हमारी छुपने की। हमारा बेड कोई तोड़ेगा नहीं ना इधर से, नहीं तोड़ेगा। ये मार रही थी क्या मुझे? नहीं नहीं, अभी मैं पंगा नहीं लूँगा इनसे। ओके अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, हमारा स्पॉन पॉइंट सेट हो गया है, नाइस। हम मिलने जाएंगे किससे? क्लेव से, क्लेव। क्लेव कहाँ है भैया जी? उधर कहीं रहते हैं। ओह माय गॉड, What the heck was that? ए चीटू, ये ले मम्मी, रन 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 रन, अपने जंपिंग स्किल्स फ्रॉग लेग्स जैसे। ओके एक मारा, नहीं नहीं मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है। कूदो कूदो, ओके बच गए। होली डीमन, हम वहाँ पर गिर के मर गए।
ओके, तो मैं गिरा कहाँ से था? हम उधर ऊपर चढ़ रहे थे ना? नहीं, ओके, क्लब हमारे पास, क्लब जो है वो डिफ़ॉल्ट रहता है। शिट, मैं एंट के नेस्ट पे जाके बैठा हूँ। वेरी गुड, वापस मैं उधर ही जा रहा हूँ। ओ, वो रही हमारी डेथ लोकेशन, नीचे नहीं थी, ऊपर थी। ओके नाइस, टेक ऑल टेक ऑल टेक ऑल टेक ऑल टेक ऑल। हम निकलो यहाँ से। ये भी जंप कर पाते हैं क्या? नहीं, वापस चले गया वो। होली मोली, बच गए हम। नीचे तो चीटों की सेना थी, हम बच गए। मैं बैंडेड लगा लेता हूँ, इससे हमारी हेल्थ रीगेन होती है क्या? यस, नाइस। सो एंट का, ओह वहाँ पर एक ब्रिज है, इधर से जंप नहीं करना है। नीचे जाऊँ किधर से मैं? पर वह दहक, वो एक चाबी रखी हुई है वहाँ पर। इट्स गो फ्रॉम हेयर। इधर से जंप ही जंप करके जाते हैं। वी, हमारा जो दोस्त है उसके पास जा रहे हैं हम। उसका नाम है क्लेव। ओके, धीरे धीरे। ओके, आराम से। ओके, बैंडेज की रेसिपी क्या है? बैंडेज की रेसिपी है ही नहीं, है ही नहीं अभी तो। ओके, अभी हमें कुछ इतना खास मिला नहीं है। ओके, तो मुझे एक ब्रिज दिखाता, उस तरफ चलता हूँ। बस चीटों से ध्यान रखना है। हाँ, वो रहे, देखो चीटे, ब्लैक एंट्स घूम रहे उधर। हेलो, नाइस, व्हाट इज दिस? ये बॉटल कैप मिला है, और पानी में उन्होंने बोला था कि पानी में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि तुम छोटे फोक्स, स्मॉल फोक्स को तैरना नहीं आता है। स्क्रू, ये देखो, ये बड़ी सी चाबी है। डैम, वाओ, या मस्त लग रहा है। देखो, इसका गेम लुक थोड़ा सा पुराने गेम्स की तरह है, पर मुझे पसंद आया है, आई लाइक इट। ओके, नीड मैंडिबुलर पिकैक्स और बैटर इसको तोड़ने के लिए। स्टोन को अभी हमने तोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पिकैक्स भी नहीं खुली हुई है। ओके, तो मुझे ऊपर से एक ब्रिज दिखा था, एंड हमारा जो दोस्त है वो भी इसी डायरेक्शन में, अराउंड वेस्ट में। हाँ, वेस्ट डायरेक्शन में। होय, ये अकेला है क्या? मैं इसको मार सकता हूँ? हम ब्लॉक कर सकते हैं? ये हार्ट अटैक, नो नो, इसके पीछे और आ रहे हैं, इसके पपलू एंड टपलूस। निकलो। ये किधर लेके जाएगा हमें? स्टॉर्म इज अप्रोचिंग, सीक शेल्टर। होली, दूसरे दिन या स्टॉर्म आ रहा है। शेल्टर कहाँ है? शेल्टर ऊपर मिलेगा क्या? चढ़ते जाओ, ऊपर कुछ ना कुछ होगा। यस, ऊपर कुछ तो है, किसी का तो घर है यहाँ पर। ओह, हम याउल के नीचे आ गए, नाइस। गिव मी ब्लैक बेरी, एडिबल मशरूम, बग लिम्फ, इंसेक्ट एग, ब्लैक बेरीज, नाइस। Small folk believe owls possess magical powers and worship them as some kind of divinity. Idols, statues and decoration are crafted in their honor. हमको worship करना है ये giant statue को। कैसे करेंगे वो? हमने जो प्रसाद रखा था यहाँ तो उठा लिया। ये shelter है क्या? उन्होंने बोला था कि storm आने वाला है। Seek shelter। ये एक वैसे अच्छी base है, base बनाने के लिए मस्त जगह है। वो देखो, वहाँ पर दिख रहा है, वहाँ से आए थे हम, वहाँ से नीचे आए, फिर इधर पीछे हमारे पड़ गए थे छोटे छोटे ब्लैक एंट्स। और कूदने पे ध्यान रखना है मुझे, मैं गिरूँ ना नीचे। द स्टॉर्म हैज ब्रोकन, रिमेन शेल्टर, यू आर फ्रीजिंग। मैं पैर के इधर बैठ जाता हूँ। होली मोली, वेट अ सेकंड, हम कैंप फायर बना लेते हैं यहाँ पर, अगर हम बना सकते हैं तो। बिल्ड अ कैंप फायर राइट ओवर हियर। कोलिजन, व्हाट द हेक। ओके, कैंप फायर में हमको कुछ होगा? नो, डैम सन, शेल्टर तो मेरे पास है नहीं, जीरो शेल्टर। वो बिल्डिंग है, वॉल्स। ओके, वॉल बना सकता हूँ। व्हाट इज दिस? यू आर फ्रीजिंग टू डेथ माय फ्रेंड, यू आर डाइंग। चले गया, स्टॉर्म चले गया। कुछ खाओ, ईट, नाइस, बच गए। ओके, तो एक अच्छी चीज़ है कि इसमें दिन और रात बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, और अभी सुबह हो गई है। मैं नीचे चलता हूँ वापस से, यहाँ से। होप वो मकोड़े मेरे पीछे वापस नहीं आएंगे। बच गए, ऑलमोस्ट मरने वाले थे। एक ग्रास हॉपर है उधर, एक ग्रास हॉपर घूम रहा है। मेन थ्रेट जो है हमारे लिए अभी ये ग्रास हॉपर्स ही हैं। तो हमें किधर जाना था? हमें वेस्ट जाना था, दैट डायरेक्शन। और यहाँ पर छोटी छोटी बरोस भी है, पता है, और बारिश भी होने लगी। मतलब सीजन चेंज इतनी जल्दी जल्दी होते हैं, जैसे टीवी के चैनल्स हो। ओए, बच गया, बच गया मैं। टॉर्च चला के रखते हैं। सो पानी में नहीं जाना है तो। ओह, स्प्राउट, मुझे रास्ता भुला दिया इन्होंने, कि मुझे आया किधर से था और मुझे जाना किधर है। ओके, यहाँ पर एक और FHE है, देखते हैं इसमें क्या है। ओके, नो, वापस से आ गया वो कीड़ा। तो मैं इधर आया था, को पढ़ने दो हमें, FHEs पढ़ने दो। इसको तो मारूंगा आज। अच्छा, नहीं मार रहा है। ये रात में पीछे पढ़ते हैं क्या?
यूज बोज एंड एरोज टू हिट क्रीचर्स फ्रॉम अफार। ओके ओके, तो यहाँ पर मुझे एक ब्रिज दिख रहा है। ब्रिज तो नहीं है, जंप कर सकता हूँ क्या मैं? ट्राई करते हैं जंप करना। हमारा स्पॉन पॉइंट वैसे भी सेव है। ओके, दिस इज मोमेंट ऑफ ट्रूथ। कैन वी क्रॉस दिस थिंग? ओ, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। भागो इससे पहले वापस रात हो जाए। निकलो यहाँ से। एंड मुझे चीटों की आवाज़ आ रही है, वो ये मेरे पीछे पड़ गया वापस से। होली हेल, दीज एंड्स आर सो अनोइंग। आई एम गोइंग अप। डैम डूड, मुझे भी पता नहीं है मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बस हम जा रहे हैं। नो, फुसकी मार बग। इसकी आवाज़ मुझे बड़ी गंदी लग रही है। नो, ये कहाँ आ गए? वो कैंप साइट आ गए हम कोई से। ओह, फाइनली पहुँच गए क्लेव के पास। हेलो क्लेव, फाइनली वी आर हियर। हेलो वैनगार्ड, आई एम कॉर्पोरल खैल क्लेव Stain, what are you doing here? I am responsible for escorting and protecting small folks, miners. अच्छा, ये rescue party या protection party है। What's that armor you are wearing? अच्छा वाला armor इसके पास तो। तो इसको अच्छा, तो हमें armor बनाने के लिए इनके पास resource लेकर आने पड़ते हैं और फिर ये हमें armor बना के देते हैं। देखो, stone membranes, stone mass, stone greaves, stone breasts। क्या बात है, what else? क्या है और यहाँ पर? Anvil है, anvil भी use कर सकते हैं शायद हम। ऊपर सो रहे हैं ये, देखो यहाँ खाना पका रहा है, मशरूम पका रहा है ये। मैं खा सकता हूँ क्या? कुछ ऑप्शन आया था इधर एक। यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं ये, शायद माइनर्स है, वुंडेड माइनर्स। वो बेचारे रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ओह माय हेड, डिड एनीवन एल्स मेक इट आउट ओके? क्या वो माइन को लैप्स हुई क्या, या किसी ने हमला किया है इन पर? वन मोमेंट, आई वॉज डिगिंग द नेक्स्ट आई फाउंड माई सेल्फ बरीड अंडर डर्ट एंड स्टोन। अच्छा, माइन को लैप्स हुई। ओके, ये क्या है, पानी पीने का? ओके, और क्या है यहाँ पर? चलो हम यहाँ पर हम तो पहुँच गए हैं। यहाँ पर अगर एक और बेड में बना लूँ तो यहाँ पर शायद हमारा गेम सेव हो जाएगा, हमारा रिस्पॉन पॉइंट सेव हो जाएगा। सो बेड बनाने के लिए आपको हैमर निकालो एंड राइट क्लिक करो, बेड प्लेस ओवर हियर। मैं इधर नहीं प्लेस कर सकता। बिल्डिंग नॉट अलाउड हियर, गो समवेयर एल्स। फेक ऑफ, ऐसा बोल दिया इसने। ओ हेलो, अच्छा यहाँ पर है माइन। ये देखो, ये माइन थी जो कोलैप्स हो गई, भगा दिया उसने मुझे। यहीं बनाऊंगा मैं इनके कैंप के पास में, ताकि कोई आए तो मैं वापस फटाफट से कैंप में भाग जाऊँ। तो कैंप में भाग सकते हो आप, वहाँ पर दूसरे एनिमल्स या क्रीचर्स हमला नहीं करते। टोन एक्टिवेटेड, ये इनकी माइन कार्ट है छोटी सी, और ये माइन थी जहाँ पर ये माइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल फोक्स हैं, छोटू पीपल हैं, ये ओवर लैंड्स में नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पर डेंजर है। तो इनको अगर रहना है तो ये ऐसा टनल्स बना के, माइंस बना के उसके अंदर रहते हैं, जैसे हमारा वो किंगडम है जहाँ से हम आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो क्लेव है ये प्रोटेक्ट करता है माइनर्स को जो यहाँ पर माइन कर रहे थे, एंड हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से अब हम आगे कहाँ जाएंगे एक्सप्लोरिंग पे, वो पता चलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में द स्मॉल लैंड्स के। इन्होंने पता है बहुत सारी चीज़ें बना के रखी थी। कोई रेड एंट घूम रही है नीचे, लाल चीटी, और स्कैफोल्डिंग्स लगी हुई है। तो ये माइन करते हुए यहाँ तक आए हैं, समझे? ये शायद ये पुली है जो ऊपर खींच के लेकर आते हैं सामान। मस्त लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस गेम में, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें करने के लिए। ग्राउंडेड में एक चीज़ नहीं थी कि आप दूसरे एनिमल्स को टेम नहीं कर सकते, वो चीज़ इसमें कर सकते आप, एंड दिस इज़ क्वाइट गुड। भागो, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेड एंड पड़ी हुई मेरे पीछे। नो, रन 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 रन।